अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उबैद और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ रिवाज यू के सन ब्लॉक का रिव्यू। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सन ब्लॉक में से एक सन ब्लॉक है ये रिवाज यू के सन ब्लॉक, और ये सन प्रोटेक्ट के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, और जब आप अपने फेस पर ये अप्लाई करते हैं तो आपके कलर को भी ब्राइट करता है। और इसके अलावा जब आप स्किन पॉलिश करते हैं या फिर कोई भी फेशियल वगैरह करते हैं और उसके बाद घर से बाहर जाते हैं धूप के अंदर, या फिर इसके अलावा किचन वगैरह में कुकिंग वगैरह का कोई भी हीट वगैरह का काम करते हैं, तो उसे आप देखते हैं अक्सर कि आपकी स्किन रेड हो जाती है या छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, या फिर इसके अलावा जो स्किन पॉलिश या फेशियल वगैरह आपने किया होता है उसका रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब आप रिवाज यू के सन ब्लॉक को एक बार यूज़ करते हैं तो यह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है धूप वगैरह की, धूप की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और फिर जब आप घर से बाहर जाते हैं जो सूरज की ख़तरनाक शुआएँ वगैरह होती हैं उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये आपके कलर को ब्लैक नहीं होने देता, और पसीना से या हीट वगैरह से जो स्किन पर छाइयाँ वगैरह या झुर्रियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं उससे भी सेव करता है आपकी स्किन को ये। और इसके अलावा देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के रिवाज के सन ब्लॉक आते हैं, एक रिवाज जो क्या 60 SPF 60 SPF होता है और दूसरा इसका 90 SPF होता है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है और इन दोनों में बेस्ट कौन सा है आपको ये भी बताएंगे, और इसके अलावा रिवाज यू के सन ब्लॉक को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना, स्किप नहीं करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली न्यू तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले सारे एक बार हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अच्छा, इन दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 90 SPF के साथ है, वेरी हाई, सन से ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और ये 60 SPF के साथ है, दोनों पर मेंशन होता है, देख सकते हैं आप, ये 60 SPF के साथ है। और जो सेकंड नंबर पर इनमें डिफरेंट है वो ये देख सकते हैं आप, ये वाइटनिंग एंड ब्लेंचिंग क्रीम टाइप होता है इसका जो टेक्सचर होता है अंदर से, और ये प्रोटेक्शन लोशन टाइप होता है अंदर से। जब आप इस 90 SPF वालों को अपनी स्किन पर लगाएंगे तो अच्छी तरह जज़ब करने के बाद भी यह आपकी स्किन पर थोड़ा सा वाजिया रहेगा कि पता लगेगा आपने कोई चीज़ अप्लाई की हुई है, लेकिन जब आप 60 SPF को लगाएंगे अपनी स्किन पर तो ये स्किन के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाता है, पता नहीं लगना आपने कोई भी चीज़ अप्लाई की हुई है कि नहीं। मैं दोनों को आपको दिखा भी देता हूँ यूज़ करके इसका टेक्स्चर अंदर से कैसा है। और इसके अलावा बैक साइड पर अगर इनकी बात करें तो ये भी 150 ml के अंदर आता है और ये भी 150 ml में, 150 ml में, और ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा इनके बैक साइड पर मेंशन भी होता है मेड इन दुबई की ये प्रोडक्ट है, और पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स और यूज़ करने का तरीका, यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसका मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको इन दोनों का टेक्सचर दिखा देता हूँ अंदर से, इसका टेक्सचर कैसा होता है। पहले 90 SPF वाले का टेक्सचर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में आपने लेना है और फिर अच्छी तरह से जब कर लेना है इसको स्किन के साथ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह जब कर लिया इसको, और इसका भी थोड़ा सा टेक्सचर निकाल के दिखाता हूँ अंदर से कैसा 60 SPF कर लेगा। स्मेल दोनों की बहुत अच्छी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो लगने के बाद क्या आपकी स्किन पर ब्राइटनेस भी आ जाती है, कलर वाइट सा लगना शुरू हो जाता है, वाइटनिंग आ जाती है स्किन। ये देख सकते हैं लगने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती है। इसके अलावा दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ज़्यादा SPF का डिफरेंट है, 90 SPF और 60 SPF। और अगर आप इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे आप वही यूज़ करें, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड की और सेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा 60 SPF की डिमांड है मार्केट में, और सबसे ज़्यादा सेल भी यही होता है और सबसे ज़्यादा फिर यूज़ भी यही होता है 60 SPF। आपको इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे आप वही यूज़ करें। अब मैं आपको यूज़ करने का तरीका भी बता देता हूँ, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने किसी भी अच्छे फेस वाश से या साबुन से चेहरे को वॉश करना है, या फिर आप नेक पे या हैंड पे या फुट पे जहाँ भी लगाना चाहते हैं पहले अच्छी तरह उसको वॉश करना है, और फिर हल्के हाथ से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद रिवाज यू के सन ब्लॉक का अपने फेस पर डॉट डॉट कर कर लगाना है अपने पूरे
फेस पर, जहाँ पर भी आप लगाना चाहें, और फिर हल्के हाथ से उसको जज़ब कर लेना है, जैसे मैंने आपके सामने अभी जज़ब किया, ऐसे अच्छी तरह जज़ब कर लेना है। और ये आपने धूप में जाने से पहले करना है, जब भी आपने जाना हो तो 10 मिनट उससे पहले लगाना है आपने ये, धूप में जाने से पहले, या फिर किचन वगैरह में कुकिंग वगैरह के जब आप काम करने जा रहे हैं तो हीट में खड़े होने से 10 मिनट पहले लगा लेना है, फिर ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। आप कोई भी अच्छे फेस वॉश, नाइट क्रीम या स्किन पॉलिश, अच्छा फेशियल भी यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप धूप में जाते हैं तो धूप की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। फिर इसका स्किन पॉलिश का या फेशियल वगैरह का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है उसके आगे। या फिर आप खाना वगैरह बनाने के लिए जब जाते हीट के सामने खड़े होते हैं तो इससे भी आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए ये सनब्लॉक होते हैं। सनब्लॉक का काम यही होता है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखें वो हर चीज़ से, कि ब्लैक ना होने दे आपके कलर को, या फिर इसके अलावा जो छाइयाँ वगैरह पड़ती हैं या फिर झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को ये। अगर आप इसको वेंचिंग क्रीम के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो वेंचिंग क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे मेंशन है इस पर, वाइटनिंग एंड वेंचिंग सनब्लॉक, बिल्कुल लाइट वेटेड लें आप, डेली यूज़ करें और उसके बाद स्किन के साथ जज़ब कर लें, पता भी नहीं लगेगा आपने कोई क्रीम यूज़ की हुई या सनब्लॉक यूज़ किया हुआ। और अगर आप मेरे से इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं घर बैठे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और 2 से 3 दिन में डिलीवरी होगी आपके पास। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।